नमस्कार, मैं विशाखा शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का न्यू न्यूज में। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से देश उभरने की दिशा में बढ़ ही रहा था कि अब मरीजों में कई तरह की और बीमारियां देखने को मिल रही हैं। नई बीमारियों ने लोगों के बीच में चिंता और भी ज्यादा बढ़ा दी है। कई राज्यों में कोविड मरीजों के अंदर ब्लैक फंगस के मामले सामने आने और देखने को मिले थे। अब बिहार से व्हाइट फंगस के 4 हैरान कर देने वाले केसेस भी सामने आए हैं। गौरतलब यह है कि ब्लैक फंगस की तुलना में व्हाइट फंगस को ज्यादा खतरनाक माना जाता है। व्हाइट फंगस से संक्रमित मरीजों में एक पटना के मशहूर डॉक्टर भी सम्मिलित हैं। फिलहाल सभी 4 मरीजों को स्वास्थ्य देखभाल के लिए रखा गया है। व्हाइट फंगस संक्रमण ब्लैक फंगस संक्रमण से अधिक खतरनाक है क्योंकि यह फेफड़ों के साथ शरीर के अन्य भागों जैसे नाखून, त्वचा, पेट, गुर्दे, मस्तिष्क, निजी अंगों और मुंह को प्रभावित करता है। डॉक्टर ने कहा है कि सफेद फंगस भी फेफड़ों को संक्रमित करता है। जिस तरह मरीजों में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए इस्तेमाल की जा रही HRCT तकनीक से फेफड़ों के व्हाइट फंगस संक्रमण का पता चलता है, ऐसे लोगों में संक्रमण का ज्यादा खतरा। व्हाइट फंगस उन कोरोना वायरस रोगियों को भी प्रभावित कर रहा है जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। सफेद फंगस का सीधा असर उन मरीजों के फेफड़ों पर पड़ रहा है। डॉक्टर के मुताबिक सफेद फंगस के खिलाफ कैंसर के मरीजों को अलर्ट पर रखा गया है। सफेद फंगस बच्चों और महिलाओं को भी संक्रमित करता है और डॉक्टर के अनुसार यह ल्यूकोरिया का मुख्य कारण है। डॉक्टर सिंह ने कहा है कि ऑक्सीजन या वेंटिलेटर को ठीक से सैनिटाइज करने पर व्हाइट फंगस के संक्रमण से बचाव आसान है। डॉक्टर की माने व्हाइट और ब्लैक फंगस के लक्षण करीब करीब एक ही जैसे हो सकते हैं। इस दौरान मरीज को निम्नलिखित समस्याएं हो सकती हैं। श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, इससे छाती का भारीपन, सीने में दर्द, लगातार खांसी, सांस फूलना, सूजन होना, नाक बहना और लगातार सर दर्द बने रहना। इस तरह की किसी भी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो फौरन अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए, उसको दिखाइए, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। आशा करूंगी कि ये बीमारियों का दौर यहीं थम जाए और एक खुशहाल जिंदगी हमारा देश जी रहा हो। तब तक के लिए ऐसी ही नई और बड़ी खबरें देखते रहने के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज, सबसे अच्छी खबर सच्ची। तब तक के लिए विदा लेती हूँ, नमस्कार।